वहीं राज्य में विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस तैयारी में बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है। सभी मंत्री लोगों के पास पहुंच रहे हैं और कष्ट निवारण समिति में लोगों के कष्ट सुन भी रहे हैं और दूर भी कर रहे हैं। बीजेपी ने राज्य में अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां मंत्री कष्ट निवारण समिति का आयोजन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष चारों खाने चित नजर आ रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि विपक्ष अभी भी चुनावी रण में नहीं उतरा है, जबकि विधानसभा चुनावों में 4 महीने से भी कम का वक्त बचा है। अनिल विज ने लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के एजेंडे में शामिल शिकायतों की सुनवाई की। 14 आइटम में हमने डील किए हैं, कुछ में कोताही पाई गई है, उनमें कार्रवाई की गई है। सस्पेंड 2 आ रही है और दर्ज कराऊंगा। कष्ट निवारण समिति की बैठक में 14 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 8 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया और बाकी बची 6 शिकायतों के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इन शिकायतों के निपटारे के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने जिला भर से शिकायत लेकर पहुंचे सभी लोगों की शिकायतों को सुना और उपायुक्त को उन सभी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने को कहा। नवीन मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, अम्बाला।